मैं जादूगर मणतुर राजीव, रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश रक्ष मां। दन्त कान्ति मन्त कान्तकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीन मन्तराय चिन्तनम् रुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव गं विचिन्तयामि सन्ततम्। जय गणेश जय गणेश जय। अब दोस्तों, इस जादू के रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अलग अलग साइज का कुछ प्लेइंग कार्ड्स है, ये जो आप खुद बना नहीं पाएंगे ये किसी मैजिक कंपनी से आपको खरीदना पड़ेगा। रहस्य मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सबसे छोटा वाला ले लेते हैं। सबसे छोटा वाला जो तास है को यहाँ पर रिवित किया हुआ है, रिवित है यहाँ पर, और उससे बड़ा वाला ये भी यहाँ पर रिवित किया हुआ है। इस तरह से फैन बना करके फिक्सर दिखा सकते हैं हम, और उसके पीछे एक ब्रैकेट चिपकाया हुआ है ताकि ये वाला जो तास है ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स बैठ जाए। इससे बड़ा वाला तीसरा से इसका है, ये भी वैसे ही है, यहाँ पर रिवेट किया हुआ है और पीछे इसे एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। ये दोनों को इकट्ठा इसके अंदर ऐसे फिक्स कर सकता है। अब ये जो तास है इसके अंदर एक जंबो कार्ड है, जो बड़ा वाला तास है, जो बीच में से इसे फोल्ड हो जाता है। इस फोल्डिंग में एक ब्रैकेट है और उसके दूसरे फोल्डिंग के पीछे ये कार्ड यहाँ पर रिवेट किया हुआ है। इसे ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, ये कार्ड दिखा सकता है, और इसको क्लोज करके उल्टा करेंगे तो जंबो कार्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये तीनों टाइप के कार्ड को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए और इसको लेकर के ऐसा रख दीजिए। इसके पीछे क्या है, एक तो ये कार्ड्स है, दूसरा तमाम कार्ड्स इसके अंदर सेट करके लगाया हुआ है। अब
अब कुछ और जंबो कार्ड्स है इसके साथ, ऐसे लगा कर रखते हैं। को एक एक करके ऐसा दिखा देता है और इसके अंदर छोड़ देता है। ऐसे लास्ट वाला जब आ जाता है तो इसको ऐसा एक्टिंग करता है जैसे इसको दबा रहे हो। इसे दबा दिया तो ये छोटा कार्ड बन गया जंबो साइज से। अब इसके अंदर से एक जंबो साइज कार्ड ले लीजिए, इसके साथ रख करके इसे दिखा दीजिए ताकि ये जंबो कार्ड है इससे छोटा साइज बन चुका है। अब इसको क्लोज कर दीजिए। इसे क्लोज करने के बाद क्या करना है, ये जो पीछे वाला जो कार्ड हमने रखा हुआ है इसमें से सबसे बड़े वाले को लेकर के पूरे को नीचे खींच लीजिए और इसको बाएं हाथ में रख लीजिए और इसको दाहिने हाथ में जो है इसे पामिंग कर दीजिए इसे, और इसको खोल दीजिए इसे। इसको खोलने के बाद क्या करना है, ये हाथ को सीधा ऐसे ही इसके अंदर ले जाना है। यहाँ पर ये पामिंग किया हुआ है को पूरे का पूरा ऐसा इसके अंदर ले जाना है। एक जंबो कार्ड लेना है, उस टाइम पर इसको छोड़ देना है वहाँ पर और इसको दिखा दीजिए, इसे वापस डाल दीजिए। इसको ले लीजिए और ऐसा दबाने का एक्टिंग कीजिए। उस टाइम पर ये जो दो है इसको बाएं हाथ में रख दीजिए और इसको दाहिने हाथ में पामिंग कर दीजिए और इसको खोल कर दिखा दीजिए ओपन करके, और फिर इसके अंदर इसको लेकर के डाल दीजिए। इसको अंदर छोड़ देना है और एक जंबो कार्ड लेना है, इसको दिखा देना है। अब फिर इसको क्लोज कर देना है। लास्ट वाला जो कार्ड है उसको ले लेना है, इसको पामिंग कर देना है, इसको दिखाना है, और एक जंबो कार्ड लेने के बहाने इसको अंदर छोड़ देना है और लगा कर दिखा। अब लास्ट वाला इसको क्लोज कर दीजिए। अब हाथ में कुछ नहीं है, इसको दाहिने हाथ में पामिंग कर दीजिए, ऐसा एक्टिंग कीजिए कि इसके अंदर कुछ है और उसको ऐसा रख करके खोल करके खाली दिखा दीजिए।